तो भाई लोग कैसे हो मेरे चैनल में, अभी सभी का स्वागत। तो आज का टॉपिक हेल्थ ओके के बारे में, अपनी हाइट कैसे बढ़ाएं। भाई रोज़ सुबह एक्सरसाइज करना या दौड़ लगाना, वैसे ही यूट्यूब पर कुछ वीडियो अपलोड है लेकिन सारे के सारे फेक हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे क्यों फेक है, वो अपने यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए वो अपना वीडियो बनाते हैं। भाई लोग मेरे सब्सक्राइब देख सकते हो सिर्फ 6। मैं वीडियो बनाने का रीज़न यानी कारण कुछ यानी मतलब क्या है कि भाई लोग मेरी खुद की हाइट जो है इंक्रीज हो गई है। मैंने डॉक्टरों का सलाह लिया, मेरे पूर्वज जो करते आए थे मैं उनका जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते गया और मेरे खुद की हाइट पहले थी 5 फुट मेरी हाइट थी। मेरा एज बताना चाहता हूँ, मेरा एज है 19 साल और मेरे आज हाइट है 5 इंच 2 फुट, ये मेरी हाइट है। बट आपको समझ आता ही होगा, तो मेरे अश्वगंधा लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अश्वगंधा से होता क्या है, अश्वगंधा आपका जो ब्लड है वो बढ़ाता है, कुछ आपकी हेल्थ तो कुछ अच्छी करता है। जैसे कि बात करो ये हेल्थ यानी इंक्रीज करता है अपने ब्लड यानी खून को और ये बढ़ाता है, और व्यायाम का जो जो भी कुछ नुकसान हो गए वो आपको दुरुस्त करता है। यानी यह अश्वगंधा आपको लेना चाहिए पतंजलि का। मेरे पास देखिए, आप जूम करके देखो, देखिए मेरे पास पतंजलि का है। मैं रोज़ सुबह सुबह तो नहीं खाता क्योंकि मुझे काम पर जाना पड़ता है, तो मैं रोज़ रात को इसको खाना खाने के बाद पहले खाना खाता हूँ, फिर 2 घंटे के बाद मैं अश्वगंधा का सेवन करता हूँ। और इसके सेवन आपको सिर्फ आधा चम्मच ही करने हैं, ज़्यादा चम्मच करने से इसके नुकसान तो बहुत ही ख़राब है। इसका जैसा फ़ायदा है वैसे इसके खराब नुकसान भी। आपको 100% मैं लिख के देता हूँ, आपको आपकी हाइट 100% बढ़ेगी। भाई यूट्यूब पर मैंने ये देखा, यूट्यूब पर वो खाया, वो बोलते हैं बादाम लो, बादाम को मिक्स करो, फिर चूना लो, चूना लेने के बाद तंबाकू लो, सब यही करके बैठे हैं क्या हम? हम पागल नहीं हैं भाई। मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मेरी हाइट बड़ी है, आप भी ले सकते हो, आपकी भी हाइट बढ़ सकती है। लेकिन ये चूरन खाने के बाद, ऐसा नहीं कि ये चूरन काम करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे अंदाज से दिव्या ही लेना चाहिए पतंजलि का, क्योंकि पतंजलि ही मेरे अंदाज से आयुर्वेदिक होगी, क्योंकि इसका ही चूरन से मेरी हाइट बड़ी है। तो आप जो पतंजलि लेना चाहेंगे वो ले सकते हो। और पतंजलि के नुकसान मैं बताना चाहूँगा, जिसको जलन से बीमारी है जैसे कि एड्स, सॉरी जैसे आपको कुछ बीमारी होगी जैसे कि डॉक्टर को इलाज चल रहा, जैसे कि एड्स या कोई भी बीमारी हो, वो अश्वगंधा का चूर्ण यूज ना करें। तो बात करते दूसरे, आपको रोज ताड़ासन योगासन हर सुबह भाई लोग करना ही करना है। नहीं बड़ी तो मेरा एक चैनल है, जाके मेरे नाम से कंप्लेंट कर सकते हो। और क्या बोल सकता हूँ मैं, यही बोल सकता हूँ भाई, मेरी खुद की हाइट बड़ी है भाई। मैं फॉलो के लिए, लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए ये चैनल नहीं खोला है, मैंने सिर्फ खोला है आपके लिए, मेरे लिए। क्योंकि मेरे जैसे बच्चे यूट्यूब पर देख देख के कुछ नहीं कर रहे, वो टैबलेट लो, कोई वो टैबलेट लो, कोई इसका चूर्ण करो, कोई वो मिक्स करके वो करो, कोई रोटी खाओ वो मत खाओ। अरे भाई लोग ये क्या क्या कर क्या रहे हैं हम? भाई लोग मैं यही बताना चाहूंगा, मेरी हाइट बड़ी है, आपको लेना चाहिए तो अश्वगंधा चूर्ण ही ले सकते हो। इसको खाना कैसे है मैं आप बताऊंगा आपको। इसको खाना है दूध के साथ ही लेना, क्योंकि दूध में जो इटालिन है यानी शक्ति है वो इसको मिक्स करेगा, उसको पावरफुल करेगा। और आपको आधा ही चम्मच लेना है, फुल चम्मच नहीं लेना, उसके बहुत सारे नुकसान है। इससे ज़्यादा नींद लगती है, जो दिमाग है वो सही में रहता है, जो आप चिड़चिड़पना करते हैं या गुस्सा करते हो वो खाली कर देगा ये चूर्ण। तो आपको व्यायाम, ताड़ासन यानी दो टाचों को दो पैर मेरे मतलब ऊपर जाना है और ऐसे तान के ऐसे करना है, इससे होगी हाइट। आपको योगा करना है, सूर्य नमस्कार करना है, ये 5 जो व्यायाम जो जो उसके व्यायाम है मैं आपको
पिछले वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको लाइक तो करना नहीं है, लेकिन कमेंट में लिखना है कि भाई लोग अश्वगंधा का सेवन आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, और जो भी डाउट हो गए वो प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखो भाई। मैं वीडियो लाइक के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो हाइट के लिए बना रहा हूँ। मेरे खुद की हाइट आपको झूठ लगे तो मेरी हाइट आप देख सकते हो, 2 महीने के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आप मेरी हाइट चेक कर लेना। तो चलो इतना ही कहूँगा, और अश्वगंधा ही सबसे बेहतरीन है। चलो भाई, इसके मुझे पैसे नहीं मिलते या कोई मुझे बनाने का पैसा नहीं देता, मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई लोग सच में यार हाइट बढ़ती है। आपको डाइट करना पड़ेगा, फिर चूरन खाना पड़ेगा, बात इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। नहीं पड़ी तो कंप्लीट करो भाई लोग मेरे नाम की, क्या बोल सकता हूँ। चलो बाय। हेल्थ तो ओके, आपका ओके, हेल्थ तो ओके यानी माइंड ओके। बाय।